हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत ही सुंदर सुबह है, थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, क्लाइमेट में बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है ताकि हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे ब्लूम्स कर रहे हैं अभी। तो आज की वीडियो स्पेशली फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन के फ्लावर्स आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि मेरे गार्डन के ऐसे बेस्ट फ्लावर्स जो मुझे देख के बहुत ही खुशी होती है। अगर आप वो प्लांट लाना चाहते हो तो आप वो प्लांट कंसिडर भी कर सकते हो। तो मैं जितने भी मेरे आज प्लांट्स जो फ्लावरिंग्स कर रहे हैं वो सारे प्लांट्स आपके साथ अपडेट करूंगा। तो सबसे पहला प्लांट जो मेरे यहाँ पूरे ये मॉनसून की सीज़न में उसने बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दी है वो है हमारे अलमंडा। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, येलो कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते रहता है। ये बुश वेराइटी का अलमंडा है जो मुझे हर साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है। तो ये प्लांट भी आप कंसिडर कर सकते हो मॉनसून की सीज़न में। अप टू फ्रेंड्स आपको ये नवंबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देगा। जैसे ही फ्रेंड्स ठंडियाँ स्टार्ट हो जाएगी, ये प्लांट धीरे धीरे डोरमेंसी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं ये हमारे रोजेज़ हैं। हमेशा से फ्रेंड्स मेरे यहाँ रोजेज़ के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड ही रहता हूँ, और इस बार फ्रेंड्स मॉनसून की सीज़न में मैंने बहुत सारे मेरे रोज़ प्लांट परचेज़ किए हैं। और ये जो कश्मीरी रोज़ का प्लांट है वो आप कंसिडर कर सकते हो। कश्मीरी रोज़ का प्लांट अभी से ले, यानी कि मॉनसून से लेके अप टू फेब्रुअरी मार्च तक आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। मेरी रोजेज से रिलेटेड बहुत सारी मेरी वीडियोज़ है, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अगर आपको रोजेज़ में इंटरेस्ट हो तो बाद में आप वहाँ से पूरी गाइडेंस ले सकते हो। तीसरा प्लांट है फ्रेंड्स वो है प्लूमेरिया पुदीका, जो मॉनसून की सीज़न की स्पेशलिटी है। यानी कि मॉनसून की सीज़न में ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करते हैं और क्वांटिटी में ये फ्लावर्स देते हैं, और फ्लावर्स की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि ये फ्लावर्स के कलर्स देखिए, वाइट के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये प्लांट भी आप कंसिडर कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा बोगनवेलिया का प्लांट है। बोगनवेलिया का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स करेगा। पूरे साल फ्रेंड्स ये प्लांट हमें फ्लावरिंग्स दे सकता है। विंटर्स में भी ये हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। बोगनवेलिया में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये जो वेराइटी है फ्रेंड्स ये वेरीगेटेड वेराइटी है मेरे पास बोगनवेलिया की, और बहुत ही सुंदर अभी फ्लावरिंग्स कर रहा है ये। तो ये प्लांट भी आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा प्लांट जो है हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स कर रहा है फ्रेंड्स ये है मॉसरोज़। मॉसरोज़ जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं। गर्मियों की सीज़न से लेके फ्रेंड्स अप टू अक्टूबर तक ही आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देगा। जो हाइब्रिड वेराइटी के जो मॉसरोज़ होते हैं फ्रेंड्स वो आपको ऑलमोस्ट विंटर्स में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकता है। तो आप हाइब्रिड वेराइटी के भी मॉसरोज़ कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर अभी फ्लावर्स सारे खत्म हो चुके हैं, फिर से नए फ्लावरिंग्स इसके ऊपर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी फ्लावरिंग साइकिल चलती रहती है। एक खूबसूरत फ्लावर जो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस फैलाता है फ्रेंड्स वो है हमारे कनेर के पौधे। इसके ऊपर जो फ्लावरिंग्स होते हैं बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स होते हैं। जब ये प्लांट बंच में फ्लावरिंग्स करते हैं तब इसके ऊपर बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर न्यू फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर सारे फ्लावर्स ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स इसके जो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। गार्डन में पूरी ये फ्रेग्रेंस फैल सकती है। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये मेरा इंडोर सेक्शन है। अब मैं आगे आपको दूसरे फ्लावर्स दिखाता हूँ। सभी को पता है फ्रेंड्स मेरे यहाँ हाइबिस्कस बहुत ही अच्छे चलते हैं। मैं अपने हाइबिस्कस भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग्स हो रही है। ये हमारा देसी हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस है। जैसे कि देख रहे हैं अभी बहुत सारे बर्डिंग्स इसके ऊपर डेवलप हो रहे थे। अभी ये जो प्लांट था फ्रेंड्स बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस में था, येलो लीव्स हो रहे थे, लीव्स कर्ल हो रहे थे। बाद में फ्रेंड्स मैंने वाटरिंग में थोड़ा सा कंट्रोल किया और ये प्लांट फिर से मुझे फ्लावरिंग्स देना इसने स्टार्ट कर लिया है। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स वाटरिंग पे कंट्रोल करने का। दूसरा एक बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ हमेशा मॉनसून की सीज़न में फ्लावरिंग्स करता है वो है मेरे स्पाइडर लिली के प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके। इसके ऊपर भी फ्रेंड्स फ्लावरिंग्स अभी होने की तैयारी है। तो मॉनसून की सीज़न में फ्रेंड्स ये प्लांट आराम से आपको फ्लावरिंग्स दे देते हैं बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। जो प्लांट फ्रेंड्स मेरे यहाँ मॉनसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है वो है हमारे चित्रक के पौधे। जैसे कि देख रहे हैं चित्रक के पौधे के ऊपर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स हो रही है। ये प्लांट भी आप कंसीडर कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके अंदर से फ्रेग्रेंस नहीं आती लेकिन इसके जो फ्लावर्स का जो कलर्स है वो बहुत ही सुंदर कलर्स होते हैं। और अभी तो ये इसके ऊपर फ्लावरिंग्स कम है लेकिन जब ये प्लांट पूरा भर के फ्लावर्स देता है तब इसका पूरा लुक अलग आता है और स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं इसके। लेंटेना भी फ्रेंड्स आप कंसीडर कर सकते हो, ये भी मॉनसून की सीज़न में आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं येलो लेंटेना आप ज़्यादातर कंसीडर करिए क्योंकि ये मैक्सिमम आपको ब्लूम्स देगा और बहुत ही अच्छी हार्डी प्लांट होते हैं ये, और ये प्लांट आपको बहुत सारे ब्लूम्स दे सकता है। दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है हमारे येलो टिकोमा के प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं मैंने रिसेंटली ये प्लांट को परचेस किया है और ये प्लांट भी अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर रहे हैं। तो ये प्लांट भी आप कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर के टिकोमा आते हैं, येलो कलर के टिकोमा आते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये फ्लावर्स सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे मुसेंडा के फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स इसके फ्लावर्स लगते हैं।
और यहाँ पे भी देखिए बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर निकला हुआ है। तो मुसेंडा भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये विंटर्स में थोड़े से स्लो हो जाते हैं या तो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये प्लांट आप खास करके मानसून की सीजन के लिए कंसीडर कर सकते हो, और गर्मियों में भी फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इग्जोरा का फ्लावर है। तो इग्जोरा भी आप कंसीडर कर सकते हो। इग्जोरा फ्रेंड्स आपको विंटर्स में भी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देगा, समर्स में भी देगा और मानसून में भी देगा। पूरे साल चलने वाला ये प्लांट है और पूरे साल आपको फ्लावरिंग्स देगा, जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही सुंदर इसके ऊपर फ्लावर निकला हुआ है। दूसरा जो प्लांट मेरे यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है वो है क्रोसेंड्रा। क्रोसेंड्रा भी फ्रेंड्स एक समर सीजन का पौधा है। समर सीजन में ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करता है, मॉनसूनस में भी ये ब्लूम्स करता है, लेकिन मॉनसूनस में अगर ज़्यादा बारिश का पानी अंदर जाता है तो बाद में ये प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें फ्रेंड्स ये प्लांट को ज़्यादा अपनी तरफ से वाटरिंग नहीं करनी होती है। बाकी विंटर्स में भी ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देगा। दूसरा जो प्लांट फ्रेंड्स हमारे ये मॉनसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स कर सकता है, वो है रेलवे क्रीपर का प्लांट। जैसे कि नेट के बाहर इसके सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, ये जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसके ऊपर निकले हुए हैं, और ऊपर भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स इसके ऊपर निकले हुए हैं। तो ये एक बेल है फ्रेंड्स, और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी आपको ब्लूम्स दे सकता है ये मानसून की सीज़न में। तो इतने प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो एट प्रेजेंट मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लांट्स हैं जो ब्लूम्स करने की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लांट भी मैं आपके साथ अपडेट कर देता हूं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा अपराजिता का प्लांट है, इसके ऊपर ब्लूम्स आने की पूरी तैयारी है। ऑलमोस्ट 3-4 दिन के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत सारे ब्लूम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपराजिता के प्लांट भी आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स वो है डेजी। जैसे कि देख रहे हैं ये जो डेजी का प्लांट है फ्रेंड्स, हमेशा मेरे यहाँ जुलाई के बाद यानी कि जुलाई अगस्त महीने में ये फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेता है। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके, तो ये प्लांट भी आप कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है मधुकामिनी का प्लांट। मधुकामिनी का प्लांट भी फ्रेंड्स आप कंसीडर कर सकते हो। अभी इसके ऊपर पहला फ्लावर निकला हुआ है। ये प्लांट फ्रेंड्स मैं लाया था अभी रिसेंटली, और ये स्पेशली मानसून की सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है। वैसे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग्स देता है, लेकिन मानसून की सीजन में इसके फ्लावर्स की खुशबू और इसके फ्लावर्स की साइज शेप बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये प्लांट आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा जो प्लांट आप कंसीडर कर सकते हो फ्रेंड्स मॉनसून की सीज़न में, वो है हमारे चमेली के प्लांट। अभी ये प्लांट के ऊपर भी अभी फ्लावरिंग्स रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्लांट पहले से बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्लांट भी आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। दूसरा एक फ्लावरिंग वाला प्लांट है फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, वो है 4 o'clock फ्लावर का प्लांट। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर्स इसके ऊपर हो रहे हैं, और ये प्लांट की हाइट देखिए ऑलमोस्ट 4 feet की हाइट हो चुकी है ये प्लांट की। इतना बड़ा और हेल्दी प्लांट हो चुका है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है 4 o'clock प्लांट की। और बाद में फ्रेंड्स हमारे जो डाइंटस एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो अभी मॉनसून की सीज़न से लेके आपको विंटर्स की सीज़न तक बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं। आपको जैसे ही इसके जो फ्लावर्स ख़त्म होते हैं उसके बाद आपको इसके फ्लावर्स पिंच कर लेने हैं, ताकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यू फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप हो सके। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बार बार वाटरिंग मत करिए। खास करके मॉनसून की सीज़न में तो आपको अपनी तरफ से वाटरिंग करना अवॉइड करना है। जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करनी है। इतने खूबसूरत फ्लावर्स हो रहे हैं मेरे गार्डन में, और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो हाइबिस्कस बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर तो हाइबिस्कस हुए, बाद में चित्रक हुए, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मेरे यहाँ फ्लावरिंग्स कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो तो इनमें से कोई भी प्लांट आप ला सकते हो, अभी आपके आराम से वो फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लेगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।